हेलो गाइस, वेलकम टू कूल टेक अगेन। तो गाइस, जब भी आप किसी शॉपिंग वेबसाइट से जाके शॉपिंग करते हैं तो खासकर मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात अगर करूं तो उसमें आप लोगों को दो तरह की वारंटीज मिलती है। सबसे पहली होती है एक यहाँ पे मैन्युफैक्चरर वारंटी और दूसरी होती है सेलर वारंटी। तो इसके क्लेमिंग प्रोसीजर में क्या होता है कि कुछ कभी कभी प्रॉब्लम आती है। मीन्स अगर क्या है कि आप मैन्युफैक्चरर वारंटी है तब चलिए ठीक है कि आप उसकी जो भी मान के चलिए कोई फोन आपने लिया तो उसका मैन्युफैक्चरर मान लीजिए मोटोरोला है, सैमसंग है, कोई भी कंपनी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चलिए ठीक है आप उसके सर्विस सेंटर जाएंगे, वहाँ जाकर उसकी जो वारंटी होती है उसको क्लेम करवा देंगे। बट उसके बाद आती है कुछ छोटी कंपनी। छोटी कंपनीज में भी दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक वो होती हैं जिनके सर्विस सेंटर तो हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं बट किसी खास खास सिटीज में अवेलेबल होते हैं, उनकी अपनी वेबसाइट होती है, वहाँ आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट उसके बाद उससे भी छोटे सेलर आते हैं। उसमें क्या होता है कि उनकी कोई छोटी शॉप है, छोटी कंपनी है, मीन्स उनका कोई कस्टमर केयर टीम नहीं है उनके पास, उनका कोई भी यहाँ पे सर्विस सेंटर वाला हब नहीं है, और कई छोटे दुकानदार होते हैं जो इस तरह की शॉपिंग वेबसाइट से जुड़े होते हैं। ऐसे आपको पेटीएम पे भी मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, अमेजोन पे मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे छोटे सेलर्स की जिनको कॉन्टेक्ट करने का कोई जरिया नहीं होता है। तो अब मेरे को क्या हुआ, एक दो दिन पहले कमेंट आया कि भाई पेटीएम से अगर हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसमें अगर वारंटी क्लेम मुझे करनी है तो फिर हम लोग कैसे उसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका। छोटे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटे जो सेलर होते हैं उनसे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पेटीएम को कॉल किया। तो अभी डिटेल में सारी चीजें बताता हूँ आपको कि कैसे आप लोग इस तरह की वारंटीज को क्लेम कर सकते हैं और इवन क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहे हैं, तो जिससे इन फ्यूचर आप जो है इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करें, अगर करें तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे आप लोगों को मिलेगा, तो वो बताता हूँ अभी आप लोगों को। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको लेके मैं बड़ी जो मैन्युफैक्चरर वारंटी है तो उसकी तो बात ही नहीं करते हैं, वो तो बड़ी कंपनी हो गई, उनका क्लेमिंग प्रोसीजर उनके सर्विस सेंटर से आप ले सकते हैं। बट सेलर वारंटी में दो तरह के सेलर, एक थोड़े से बड़े सेलर आते हैं जिनकी खुद की वेबसाइट होती है और एक कस्टमर केयर टीम भी होती है। उसमें क्या होता है कि मैंने उसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसको आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वो बहुत काम का वीडियो है आपके। उसमें होगा क्या मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो अपना कूरियर अरेंज करवा देते हैं आपके पास तक, और उसके बाद आपको घर से बंदा कोई भी आके प्रोडक्ट ले भी जाएगा और नया प्रोडक्ट दे भी जाएगा। तो ये तरीका होता है, इसमें उनकी वेबसाइट खोलनी पड़ती है या फिर उनसे कॉन्टैक्ट नंबर निकालना पड़ता है नेट से, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट जब उससे भी छोटे सेलर आते हैं जो कि आपको मिलते हैं पेटीएम पर, तो पेटीएम पे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने जा रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि उसमें एक महीने, दो महीने, तीन महीने की वारंटी रहती है, सेलर वारंटी, बट हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यह लगता है 100-200 का ही प्रोडक्ट है, कभी उसको देखते ही नहीं। बट मेरा कहना यह है कि अगर आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पे तीन महीने की आपको मिल रही है सेलर वारंटी, दो महीने की मिल रही है, तो सबसे पहला काम ध्यान रखिए उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस पेज का स्क्रीनशॉट किस वजह से लीजिए, क्योंकि अभी मैंने जो पेटीएम से बात की उस बारे में बताऊंगा, तो उसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि देखिए होगा ये कि इन फ्यूचर क्योंकि वो छोटा सेलर है और उसका कोई ज़्यादा उसकी रेपुटेशन या ऐसा कुछ होती नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कल वो अपनी बात से मुकर जाते हैं कि नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं दिया था या कुछ भी, आपके पास पहली चीज एक सबूत होना चाहिए कि नहीं आपने वहाँ पे दिखाया था कि आप एक महीने की वारंटी दे रहे हैं, ठीक है, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल रही सबसे बेस्ट है, मैन्युफैक्चरर वारंटी में आप जा सकते हैं, पर छोटे प्रोडक्ट्स में तो मैन्युफैक्चरर ही नहीं पता है, लोकल बन रहे हैं कहीं भी, तो उनका मैन्युफैक्चरर तो कुछ पता नहीं होता है। तो फिर आपको दूसरा काम क्या करना है, क्योंकि उस सेलर की कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा आपको करना पड़ेगा यहाँ पे पेटीएम मॉल को कॉल। पेटीएम मॉल का जो नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी जल्दी लग जाता है, विदिन 30-15 सेकेंड्स में लग जाता है, तो मैंने उनसे ही बात करके जो चीज़ें पूछी वो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें आपको होगा क्या कि आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो इनके जो पेटीएम मॉल का जो कस्टमर केयर होगा उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद अब आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि ये मेरा ऑर्डर था, ये ऑर्डर नंबर है और ये प्रॉब्लम आ रही है, 15 या 20 दिन या एक महीने की सेलर वारंटी मुझे मिली थी। अब आपको क्या होगा, आपको कस्टमर केयर टीम उस सेलर का नंबर देगी, अब बीच में कस्टमर केयर टीम वर्किंग नहीं करेगी, आपको उस सेलर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, इन शॉर्ट किसी भेजेंगे, अलग अलग सेलर अलग अलग तरह का हो सकता है, और कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है तो उसको फिर थोड़ा सा आपको जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसे ही बात करनी पड़ेगी उससे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट गड़बड़ हो गया है। उसमें काफ़ी चांसेस हैं कि एक तरफ का कूरियर आपको अरेंज करना पड़ेगा और एक तरफ का कूरियर वो अरेंज करेंगे, जाहिर सी बात है वो ये बोलेगा कि हमारे पास भेज दीजिए हम वापस आपको भेज देंगे। अब थोड़ी सी बड़ी कंपनीज होती हैं तो मैंने जैसे कि उस वीडियो में जो बता रहा हूँ उस वीडियो में मैंने बोट के एक हेडफोन का एग्जाम्पल दिया था, तो बोट ने मेरे घर से ही प्रोडक्ट अपना बंदा फ्रिज को उठवा लिया था और नया हेडफोन भेज भी दिया था। तो इस तरह में बड़े में थोड़े जो होते हैं वो तो अरेंज करवा देते हैं, बट छोटे में क्या होता है वो कहते हैं आप हमारे पास भेज दीजिए हम आपको वापस नया भेज देंगे। तो उसमें अब आपको ये देखना पड़ेगा कि
आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अगर 100 रुपए का ही प्रोडक्ट है तो 100 रुपए का कूरियर लगाने का तो फिर मतलब नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो इस तरह के सेलर होते हैं वो दिल्ली के होते हैं या बैंगलोर के होते हैं, गुजरात के होते हैं, तो वहां तक भेजने का कोई मतलब तो है। तो फिर आपको क्या करना है, अगर आप प्रोडक्ट की वर्थ है ज्यादा 500, 600, 700 में, तो आप जरूर भेज दीजिए और वापस उसे ले लीजिए, आपने कूरियर रिसिप्ट रखे रहिएगा। फिर दूसरा केस ये बनता है कि बाई चांस अगर वो जो सेलर है वो माने ही ना कि नहीं भाई मैं नहीं मानता, मैं मतलब मैं क्लेम नहीं करूंगा, तो क्या करें। तो इसके लिए भी मैंने उनसे बात करी पेटीएम से कि ऐसे केस में अगर बाई चांस सेलर नहीं मानता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं। उन्होंने बोला ऐसे केस में हमारे पास एक पूरी टीम है जो वारंटी की जो समस्याएं होती है उनको ही देखती है, तो उसमें आप कंप्लेन रजिस्टर करवाइए, फिर हम लोग भी सेलर से कॉन्टेक्ट करेंगे। तो मीन्स ये अच्छी चीज है, उन्होंने चीज एक्सेप्ट की, हम भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सेलर से कॉन्टेक्ट करते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं, ऐसा नहीं कि हम पीछे हट जाएंगे, तो हम भी मीन्स उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो मेन चीज ये है कि पहले आपको खुद सेलर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, नंबर आपको मिलेगा पेटीएम के कस्टमर केयर से, उसके बाद फिर आप लोग जो है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप क्या करना है, आपको यहाँ पे पेटीएम के जो कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर आप कंप्लेन कर दीजिए, तो वो सेलर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट की वर्थ अगर 50 करोड़ तो होती है तो हम लोग सोचते हैं कि यार हटाओ क्या करना है, बट फिर भी आपको एक बार सेलर से कॉन्टेक्ट जरूर करना चाहिए। हो सकता है दोनों तरफ का कूरियर अरेंज करवा दें वो और आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल जाए, और मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है, मैंने वापस रिप्लेसमेंट में नया प्रोडक्ट ले लिया है, 1-2 बार के केस में हुआ, 1 बार पावर बैंक के केस में और 1 बार यहाँ पे हेडफोन के केस में, दोनों मैंने वहाँ पे बताया था पुराने वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई किस तरह से क्लेमिंग प्रोसीजर कैसे होता है, वर्क करता है इन लोगों का, और बाकी सारी चीजें कि मैन्युफैक्चरर वारंटी है तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा दीजिए, सेलर वारंटी है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए और उसके बाद जो है वारंटी का स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट कीजिए। या फिर एक चीज और भी है जो मैं थोड़ा सा मिस कर दिया, अगर इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो थोड़े से बड़ी कंपनीज होती हैं, तो आप पेटीएम पे जाएंगे तो वहां पर उसमें लिखा है कि आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पेटीएम से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ यहाँ पे किचन के प्रोडक्ट्स से सपोज एज एग्जांपल आप मिल्टन का ले लीजिए, तो मैं एग्जांपल ओनली दे रहा हूँ, तो मिल्टन जैसी कंपनीज हैं तो वो कहती हैं कि आप पेटीएम से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारी खुद की कस्टमर केयर टीम है, आप हमारी कस्टमर केयर टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए और हम लोग आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन देंगे। तो इस तरह की जो कंपनी होती हैं वो दोनों तरफ का खर्चा देती हैं, आपको कुछ नहीं लगाना है, घर से ही प्रोडक्ट ले जाएंगी, घर ही को दे जाएंगी, तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। बट अगर आपको नंबर नहीं मिल रहा है, आपको प्रोसेस नहीं पता है, तो आप उनके कस्टमर केयर टीम से पेटीएम या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से बात कीजिए, वो आपको पूरा क्लेमिंग प्रोसीजर बता देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, अब बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ आप लोगों को भी इससे रिलेटेड जानकारी है तो भी आप समझ में शेयर कर सकते हैं। एकदम बस इतना ही है।